अध्यक्ष वो भी संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में त्योथर में आप सब लोगों के साथ चर्चा करने का भी और आपके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। जो मैं संख्या देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्र आए हैं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, निर्णय करने की घड़ी का भी उमंग देख रहा हूं, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव में इस आधार पर वोट मत देना कि ये मेरा नजदीकी है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी भाषा बोलता है। इन आधारों पर चुनाव में वोट नहीं दिए जाते। वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि कौन आपकी 5 साल तक रक्षा करके आपको विकास के साथ जोड़ सकता है, ये आपका आधार होना है। और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि आज अगर आपने यहां से लोकसभा में जनार्दन जी को भेजा है, आज अगर आपने मध्य प्रदेश से लोकसभा में कमल खिलाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती पकड़ी है और देश आगे बढ़ा है, ये बात हम कह सकते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके, आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है। और इसीलिए एक जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार अध्यक्ष के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब चीन की भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, तो अकेला भारत है जो मजबूती के साथ खड़ा है और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जिस देश ने हमको 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, उसको भी पछाड़ कर हम 11वें नंबर से बढ़कर के 5वें नंबर की दुनिया में अर्थव्यवस्था हो गई। अभी आपका आशीर्वाद सिद्धार्थ को मिलेगा और 2024 में फिर मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। 3 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसकी हमको तैयारी करनी है। आप बताइए, अभी अभी संसद में महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? कभी सोचा था? 15 साल से कांग्रेस और यूपीए की सरकार इस बिल पर बैठी हुई थी। 15 साल से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं था। मैं मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन लंबे समय से ये बिल पड़ा हुआ। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति, महिलाओं को सामने रहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक दिल्ली में पार्लियामेंट में 2 दिन के अंदर पास हो गया और अब आने वाले समय में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। मित्रों, आज हम इस बात में स्टील में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। आज हम ऑटोमोबाइल की मार्केट में, गाड़ियां बनाने वाली मार्केट में दुनिया में हम 3रे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। ये हमारे विकास की कहानी है।
और अगर मैं आपको कांग्रेस का याद दिलाऊं तो कांग्रेस के राज में क्या मिला आपको? आपको मिला कोयला घोटाला, आपको मिला अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, आपको मिला कॉमनवेल्थ घोटाला, आपको मिला 2G स्कैम का घोटाला, आपको मिला आदर्श स्कैम का घोटाला। यानी घोटाले पे घोटाला, एक तरफ कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता देश, आगे बढ़ने वाला देश, तेजी से बढ़ने वाला देश, ये हमको समझना है। और इसीलिए आज मैं आपसे ये भी चर्चा करना चाहता हूं, आपको जानकर खुशी हो, मैं आज चौथर में आया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग, भारत के 12% से ज्यादा की आबादी अब गरीबी की रेखा से निकल गई है। और यहां रुक रहे